नमस्कार, मैं योगेश राणा। अखिलेश यादव ने रायबरेली में कांशीराम की प्रतिमा का अनावरण किया। आप कह सकते हैं कि इसमें क्या अलग बात है, लेकिन इसमें अलग बात है। पहली बात, अखिलेश यादव ने पहली बार कांशीराम की प्रतिमा का अनावरण किया है। ऐसा पहली बार हुआ जब समाजवादी पार्टी का कोई शीर्ष चेहरा अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण करने पहुंचा। और दूसरी बात यह, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के गढ़ माने जाने वाले रायबरेली में घटी घटना है, इसीलिए दो बातें बहुत ही साफ है। एक, अखिलेश यादव मायावती का वोट बैंक चाहते हैं, और दूसरी बात, उत्तर प्रदेश को कांग्रेस से मुक्त चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में जो थोड़ी बहुत कांग्रेस बची है, अखिलेश यादव एकदम कांग्रेस मुक्त उत्तर प्रदेश कर भाजपा के सपने को साकार करना चाह रहे हैं। लेकिन क्या अखिलेश यादव अपने इस मकसद में सफल हो पाएंगे, यह एक बड़ा सवाल है। इस पर बात करने से पहले एक तथ्य को जानना चाहिए। 2014 के बाद से बीएसपी को उत्तर प्रदेश में लगातार हार मिली, विधानसभा चुनाव में हार मिली, लेकिन 2019 में सपा ने बसपा के साथ गठबंधन किया और मायावती का चेहरा प्रमुख तौर पर आगे बढ़ाया। इस चुनाव में मायावती को तो बहुत लाभ मिला। इस चुनाव से एक अन्य फैक्ट भी सामने आया, 2014 में जीरो पर रहने वाली बसपा 19 के इस चुनाव में 10 सीटों पर जीत गई। और यह गठबंधन करने के बाद भी और मायावती को आगे करने के बाद भी सपा को केवल 5 ही सीटें मिली। यानी सीधी सी बात है, अखिलेश यादव के कहने पर कुछ सीटों पर यादवों ने तो दलितों के साथ मिलकर वोट किया, लेकिन मायावती के चाहने पर भी दलितों ने सपा को वोट नहीं किया। अब सवाल यह है कि जब दलित अपनी इतनी बड़ी नेता की बात मानकर भी उत्तर प्रदेश में यादवों के साथ आकर वोट करने से फ्रेज करते हैं, तो क्या दलित स्वामी प्रसाद मौर्य और एक विधायक अवधेश प्रसाद या फिर कुछ अन्य दलितों के छोटे नेताओं की बात मानकर सपा के साथ आकर वोट करेंगे? अखिलेश यादव के मन में शायद यह है कि उत्तर प्रदेश में यादव अपने दलितों को साथ जोड़ ले और मुसलमान तो मजबूरी में सपा को वोट करेंगे ही, क्योंकि उनके पास तो कोई विकल्प नहीं है। और इस तरीके से उत्तर प्रदेश में बीजेपी को मात दी जा सकती है। यह अखिलेश यादव की योजना है और इसी पर अमल करते हुए अखिलेश यादव ने बाबा साहेब वाहिनी नाम से एक फ्रंटल संगठन बनाया है और बसपा से बहुत से नेताओं को सपा में शामिल कराया है। इनमें इंद्रजीत सरोज, रामप्रसाद चौधरी, दारा सिंह चौहान, राम अचल राजभर, लालजी वर्मा, के गौतम, स्वामी प्रसाद मौर्य और भी बहुत से नाम, इस तरह के बहुत से नाम हैं जो बसपा से सपा में आए हैं। लेकिन एक बात पर गौर करने की जरूरत है, ऐसा नहीं है कि सपा बसपा के वोट को हासिल करने के लिए यह पहली बार मुहिम पर निकली है। 93 में सपा बसपा ने मिलकर विधानसभा का चुनाव लड़ा और उस समय पर राम मंदिर आंदोलन शिखर पर था। इसके बाद भी भाजपा को हराने में कामयाबी हासिल हुई, लेकिन ध्यान में रखना चाहिए कि यह गठजोड़ अधिक समय तक नहीं चल पाया था। 2 साल में ही यह सरकार गिर गई थी। नेता बीच मझधार में गठबंधन को तभी छोड़ता है जब उसको अपना वोट बैंक खिसक जाने का डर सताता है। यानी अपनी राजनीति खतरे में पड़ती हुई साफ साफ दिखती है। अखिलेश यादव की उत्तर प्रदेश में जो यह जो कोशिश है, राजनीति में बेमेल संगम करने की कोशिश है, यह एक बार नहीं उत्तर प्रदेश में अनेक बार साबित हो चुका है। मैंने बताया है कि 2019 में यह साबित हुआ कि दोनों धाराओं के वोट एक साथ नहीं आ सकते। अखिलेश यादव अपनी मुहिम को लेकर बहुत ही आश्वस्त दिखते हैं, इसीलिए वो एक काम और करना चाह रहे हैं। तय कर चुके वो आने वाले 14 अप्रैल को मध्य प्रदेश के महू जाकर एक जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। यहाँ पर उनके साथ रालोद नेता जयंत चौधरी, आजाद समाज पार्टी मुखिया चंद्रशेखर आजाद भी रहेंगे। 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती होती है और मध्य प्रदेश का महू अंबेडकर की जन्मस्थली है। 14 अप्रैल 1891 को महू में उनका जन्म हुआ था। ऐसा पहली बार हो रहा है कि सपा का कोई इतना बड़ा नेता अंबेडकर जयंती पर उनकी जन्मस्थली पर जा रहा है और वहाँ पर जनसभा को संबोधित करने वाला है। इसी कारण मायावती बहुत ही परेशान हो उठी है। वो कह रही है कि अखिलेश यादव को लखनऊ का गेस्ट हाउस कांड हमेशा याद रखना चाहिए, क्योंकि दलितों को वो कांड हमेशा याद रहता है, वो उसको कभी भूल नहीं सकते। अंत में अखिलेश यादव द्वारा रचे जा रहे इस नए चक्रव्यूह को लेकर मेरे 2 सवाल है। एक, आज यह सच है कि भाजपा को बगैर दलित वोटों में सेंध लगाए रोका नहीं जा सकता है, और दूसरा, समूचे देश में विपक्ष इस मुहिम पर निकला हुआ है, लेकिन उत्तर प्रदेश में क्या दलित सपा को वोट देंगे, वो भी बगैर किसी बड़े दलित चेहरे के?
यह बात मैं बार बार इसलिए कहता हूं क्योंकि एक तो मायावती के पास अभी भी दलितों का बेस वोट मौजूद है उत्तर प्रदेश में, और दूसरा जो बाकी वोट बचा है वो भाजपा के पास चला गया है, और भाजपा उसको अपने पास रोकने के लिए बहुत से इंतजाम लगातार कर रही है, यह ध्यान में दिया जा सकता है। अब देखना होगा अखिलेश यादव अपनी योजना में कितने सफल हो पाते हैं, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। नमस्कार, मैं योगेश राणा, आप बने रहे मेरे साथ।